लेट अस स्टार्ट चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस देखिए क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी तो पहले चांस समझिए। जैसे आज बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, अब हम लोग रोज स्कूल आते हैं, रोज रेनकोट नहीं लाए तो चले काम चल जाता है, और आज जो लोग रेनकोट नहीं लाए होंगे वो लोग भीग गए होंगे, ये तो चांस है ना कि आज पानी बरसा। मतलब जो काम डेली ना हो, जिसको 100% श्योरिटी ना हो। अच्छा दूसरे एग्जांपल से समझिए, आप लोग क्रिकेट मैच तो देखते होंगे, उसमें टॉस उछलता है तो ये पता रहता है क्या क्या आने वाला है, हेड हेड आने वाला है कि टेल आने वाला है, किसी को मालूम रहता है क्या? कोई बच्चा बताओ जरा, कोई भी माइक ऑन करके बताइए, क्यों किसी को पता रहता है क्या? हाँ तो हाँ वेरी गुड। तो जो जो भी आ जाए वो चांस है कि नहीं? तो इसी तरह से चलिए, लूडो तो सबने खेला है कि नहीं आप लोगों में से? खेला है, खेला है। चैट बॉक्स में लिखा करिए यस यस या नो। चैट बॉक्स इसलिए बनाया जाता है कि, तो लूडो में जब आप पासा फेंकते हैं तो उसमें कौन सा नंबर आता है आपको पता रहता है क्या? नहीं पता रहता। जो भी नंबर आ जाता है वो आपका चांस रहता है, एक आया, दो आया, चार आया, पांच आया, छह आया, तो ये चांस है। मतलब जिसके बारे में जो रिजल्ट आने की श्योरिटी ना हो वही चांस है। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे आपने मैथमेटिक्स का पेपर दिया, अभी मान लीजिए कोई मैथ का पेपर हो, चार चैप्टर सिलेबस बताया गया, आपने तीन चैप्टर तो पढ़ लिए और चौथा है हल्के में पढ़ा, सोचो इसी तीन में आ जाएगा। अब पेपर देने गए और हो गया उल्टा, पहले तीन से कुछ पूछा ही नहीं, चौथे से सब पूछ लिया, तो चांस है ना कि आपका पेपर खराब हो गया। तो जहां संभावनाएं रहती हैं, जहां पॉसिबिलिटी रहती है, उसे कहते हैं चांस। जैसे अब आपका रिजल्ट आपको दिखाया जाएगा, आपको आपके क्लास टीचर बताएंगे, आप आपके पेरेंट्स आएंगे, तो आपको किसी को 20 से 20 मिल जाए, किसी को कोई 20 में 0 पा जाए, तो 20 में 0 पाने वाला भी चांस ही है, 20 में 20 पाने वाला मेहनत है, ऑनलाइन पेपर है, वो भी चांस ही है। तो ये तीन एग्जांपल मैंने बताया कि क्रिकेट मैच में जब टॉस होता है वो उसमें हेड आता है या टेल आता है, निश्चित नहीं है, कुछ भी आ सकता है, चांस से ही हेड आता है, चांस से ही टेल आता है। दूसरी बात है कि लूडो का पासा फेंक दीजिए, उसमें 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए कुछ भी आए, वो भी चांस ही है। आप पेपर में चार चैप्टर का कोर्स है, तीन चैप्टर अच्छे से पढ़े, चौथा चैप्टर नहीं पढ़ा और चौथे चैप्टर से पूरा आ गया, तो ये सब चांस है। और इन्हीं चांस का जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो उसे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो पहली हेडिंग लिखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट, RANDOM, रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, हो सकता हो कुछ आपके काम की चीज मिले मुझे। ये देखिए, ये तो नहीं, इसके इसके अगला वाला होगा। चलिए तो लिखिए, अब तक आप लोग लिखते रहिए, आवाज सुनाई पड़ेगी। दीज आर द एक्सपेरिमेंट हूज रिजल्ट्स आर नॉट श्योर। दीज आर द
सर सुना नहीं दे रहा। सर दूसरा सर हाँ बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही आपकी है। आवाज नहीं आ रही है। फिर आवाज आना बंद हो गया इसमें भी। हाँ कुछ सिग्नल वीक हो रहा है मुझे लग रहा है। चलिए कोशिश करते हैं, बारिश हो रही है इधर यहाँ। चलिए स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देते हैं। आज हटिएगा नहीं। ये देखिए चांस एंड प्रोबेबिलिटी, हाउ लाइकली इज दैट इवेंट। ये चांस है, रैंडम एक्सपेरिमेंट देखिए लिखा हुआ है। सच एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट इज नॉट श्योर इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। लिख लीजिए। सर थोड़ा सा हाँ ये देखिए, फिर से दिखाई दे रहा ऊपर है, दिखा दीजिए, ऊपर दिखा दीजिए। अभी दिखा रहे ऊपर करके लीजिए। सच एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट इज नॉट श्योर इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल में लिखिए टॉस ऑफ ए कॉइन, जो आप सिक्के को उछालते हैं। दूसरा है थ्रो ऑफ ए डाइस, जो आप पासे को फेंकते हैं। अब ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम है, जैसे सिक्के को उछालने में क्या आएगा, यहाँ हमने लिखा हुआ हेड आएगा और टेल आएगा। ये हेड और टेल जो हैं इनको इवेंट बोलते हैं। डाइस को फेंकोगे तो क्या आएगा, वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है और सिक्स भी आ सकता है। तो ये इसका आउटकम है, और आउटकम को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। सैंपल स्पेस लिखा हुआ एस। ऊपर कर दीजिए, दीजिए। सर अच्छा फिर से देखिए, ये दिखाई पड़ा, रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखिए, आराम से लिखिए। सच एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट इज नॉट श्योर, सच एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट इज नॉट श्योर इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। माइक ऑन कर, माइक ऑफ करो सब लोग। सच एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट इज नॉट श्योर, मतलब जिसमें रिजल्ट क्या आएगा वो निश्चित नहीं है, सब अनिश्चित है। पहला एग्जाम्पल है टॉस ऑफ ए कॉइन, दूसरा एग्जाम्पल है थ्रो। माइक ऑफ करिए सब लोग। टॉस ऑफ ए कॉइन, दूसरा लिखा है थ्रो ऑफ ए डाइस। थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं। अब जो आउटकम आते हैं वो वही रिजल्ट। किसी घर में टीवी चल रही है वो बंद करे। आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आर रिजल्ट और इवेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो आउटकम है वो रिजल्ट आते हैं। माइक ऑन ऑफ करें सब लोग। दूसरा है इसका एग्जाम्पल टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, जब आप सिक्के को उछालते तो क्या आता है, हेड आता है जिसे एक्स से लिखा गया है, टेल आता है जिसे टी से लिखा गया है, और इसे अगर आप सेट में लिखेंगे तो ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इसको कहते हैं सैंपल स्पेस। लो नीचे कर दिया, हो गया। चलिए लिखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट देख मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखिए देख के। सच एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट इज नॉट श्योर इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब जिसमें रिजल्ट है वो ही नहीं निश्चित है,
जैसे पहला है टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, जब सिक्के को उछाला जाता है क्रिकेट के मैच में तो क्या आएगा नहीं पता, लेकिन ये पता है हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो जब 100% श्योरिटी ना हो तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट रैंडम कहलाते हैं, जैसे थ्रो ऑफ ए सर डाइस। नीचे कर सर दीजिए, नीचे कर दीजिए। कर रहे हैं बेटा, बोल ये लिखिए। आउटकम जो होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के, अब शांति से लिखो चुपचाप, कोई नीचे ऊपर लिखो चुपचाप। आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर रिजल्ट और इवेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम होते हैं उसे रिजल्ट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखे हुआ है टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, सैंपल इस या तो हेड आने वाला होता है या टेल आने वाला होता है। हेड को कैपिटल एच से लिखते हैं और टेल को टी से लिखते हैं, इसे हम सैंपल स्पेस कह देते हैं एस। इसी तरह जब डाई को थ्रो करते हैं तो ये 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। और ये जो आउटकम है यही रिजल्ट है। अब ये प्रोबेबिलिटी लिखिए, पीई प्रोबेबिलिटी बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द इवेंट। मतलब जो भी इवेंट आप ले रहे हैं उसके फेवर में कितने केस हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। हो गया, अब बताइए यस सर। सब लोग लिख लें, फिर मैं एक बार पेज ऊपर से नीचे मूव कर देता हूँ। इतना लिख लें, 2 मिनट समय दे रहा हूँ। यस सर हो गया। ठीक, अभी कई सारे बच्चे होंगे नहीं, चैट बॉक्स सर में ऊपर लिखा वाले पे दिखा करिए। दीजिए। कर हो गया। चैट बॉक्स में लिखिए, कोई बोले नहीं और बच्चे डिस्टर्ब होते हैं ना। चैट बॉक्स में लिखिए बस, डोंट टॉक, ओनली यूज चैट बॉक्स। इसीलिए आपको चैट बॉक्स की सुविधा दी जाती है कि आप लोग चैट बॉक्स का यूज करें। ऐसे चिल्लाते हैं तो फिर क्या समझ में आएगा। अभी 10 बच्चों ने लिख के भेजा है सिर्फ, और लोग लिखें। चलिए ठीक है, अब मैं स्क्रीन हटाने जा रहा हूँ। चलिए वेलकम टू द वंस अगेन। 14 देखो किन किन ने लिखा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे। चलिए सबका हो गया होगा, जो नहीं लिख पाए उनका भी हो गया होगा। हाँ, 2-3 चैट और आ गए। ठीक है प्लीज, अब ये चांस या प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आप लोग अपने एक्सरसाइज 5.3 को देखिए, 5.3 को देखिए। 5.3 में बुक खोलिए, मैं बुक को ही सीधा आपको शेयर कर रहा हूँ अब यहाँ से। यही आपकी बुक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन द एक्सपेरिमेंट। पहला है स्पिनिंग ए व्हील, ये देखिए पहिया बना हुआ है जिसमें 2 बार ए लिखा हुआ है, 2 बार बी लिखा हुआ है और 1 बार सी लिखा हुआ है। दिखाई पड़ा, चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में यूज करिए, नहीं अपनी किताब देखिए। 2 बार ए है, 2 बार बी है और 1 बार सी है। हाँ जल्दी चैट बॉक्स यूज करें सब लोग, सब लोग चैट बॉक्स का यूज करेंगे। चलिए ठीक है, तो इसमें आउटकम क्या हुआ, कर्ली ब्रैकेट में बनाइए, बस बस लिखना बंद करिए और आगे समझिए।
इसमें आउटकम ए है, दो बार नहीं लिखना है, कॉमा बी है, कॉमा सी है। तो आप लोग इसको चैट बॉक्स में मत लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए। ये देखिए मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, इस तरह लिखना है। ये एस सैंपल स्पेस, ये ब्रैकेट में, ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, हो गया। अच्छा, अब इसका दूसरा पार्ट है बी। बी में क्या है, टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, दो सिक्कों को एक साथ उछालना है। तो दो सिक्के जब एक साथ उछाले जाते हैं तो दोनों पे हेड हेड, या तो दोनों पे हेड हेड आ जाए। अब दिखा बच्चों, दोनों पे हेड आ जाए, पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ। चलिए मैं इसको स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं दिखाई पड़ रहा होगा कुछ जगह, आवाज तो सुनाई पड़ रही है, चलिए आवाज से सुनिए। पहला क्वेश्चन हो गया, पहले पहले का ये पार्ट है स्पिनिंग ए व्हील। जब आप व्हील स्पिन करते हैं, ये देखिए फिर से फोटो शेयर हो रही है, जरा ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए जरा, ये तो वही वाली, फिर से बैक मारते हैं। हाँ, ये देखिए आपके सामने सलूशन आया है। ये देखिए नीचे पहले का है स्पिनिंग ऑफ ए व्हील, दिखाई पड़ रहा है ना। तो पहले में, अच्छा डी भी देखिए, पहले में इस जो व्हील बना हुआ है उसमें दो बार ए है, एक बार बी है, एक बार सी है, एक बार डी है। तो इस तरह करली ब्रैकेट में आप ए बी सी डी लिखेंगे। और दूसरा सवाल है टॉसिंग टू कॉइंस टुगेदर। देखिए पहले में एच एच, ये मैं एच एच यानी पहले पर भी हेड आए, दूसरे पर भी हेड आए, और हेड टेल, पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए। तीसरा है टेल हेड, पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए, या दोनों पे टेल टेल आए। तो ये बी पार्ट का आंसर है टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स टुगेदर, दोनों सिक्कों पे हेड आ रहा है, हेड हेड। कि दूसरा जो केस है पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए। तीसरा जो केस है वो पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए। चौथा जो केस है वो दोनों पे ही टेल आ जाए। ये है इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका हो गया। अब ये देखिए दूसरा सवाल आप करने जा रहे हैं, व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। पहले का ए पार्ट है प्राइम नंबर और दूसरा है नॉट ए प्राइम नंबर। तो पहले जब ये लिख लीजिए कि जब आप डाइस थ्रो करते तो यही तो आने वाला रहता है, ये 1 2 3 4 5 6, ये जो लिखा हुआ है। अब इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, 3 है, 5 है, यानी 2। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जो लिखना चाहो लिखो। 1 प्राइम नंबर नहीं है, नॉट ए प्राइम नंबर, तो ये नॉट ए प्राइम नंबर मतलब हो गया 1 4 6। 1 है, 4 है, 6 है,
फिर इसका दूसरे पार्ट का ए है, ए नंबर ग्रेटर देन 5, यानी 5 से बड़ा नंबर, 5 से तो बड़ा 6 ही होता है, तो 6 लिख दिया, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। 5 से छोटा नंबर, तो 5 से छोटा नंबर ये हो सकता है बी, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ है, मतलब 5 से बड़ा ना हो, तो 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये नंबर है ग्रेटर देन 5। तो ये दोनों सवाल समझ में आ गए, पहला और दूसरा। बताइए पहला, और यस सर हाँ जरा चैट बॉक्स में लिखे जल्दी 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 जल्दी, चैट बॉक्स में लिखें सब लोग। हाँ चैट बॉक्स में लिखें यस 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 या नो। बातचीत सर करने एक से बार अच्छा फिर है कि से चैट, दिखा दीजिए, मेरा दिखा हुआ नहीं दीजिए, मेरा है। हुआ नहीं है। अच्छा फिर से दिखाते हैं, चलिए अच्छा ठीक है, पहले सब लोग चैट बॉक्स में लिख लें। अभी मैं क्लास करने के बाद ये माइक ऑफ करिए, मैंने कितनी बार कहा हुआ है, मैं तो मैं उस स्टूडेंट को क्लास से रिमूव रिमूव कर दूंगा, शोर मचता है। अभी बेटा जिनको दिख नहीं रहा है, अभी मैं क्लास खत्म होने के बाद दोनों फोटोज ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग देख के लिख लीजिएगा। चलिए 13 लोगों ने अपना रिएक्शन दिया है, देख के पढ़ते हैं। यस यस, चलिए ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये अब तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जरा कोई पढ़ो तीसरा क्वेश्चन आप में से। एक मिनट में नाम, एक मिनट मैं नाम ले रहा हूँ, माही सिंह पढ़ें, माही सिंह क्लास में है नहीं है। अगम्या सिंह आप पढ़िए, हाँ पढ़िए, आवाज आ नहीं रही शायद आपकी, थोड़ा बेटा तेज बोलो या माइक लगा के बोलिए जिससे पता चले आपकी आवाज आए। नहीं आ रही है। महिमा पढ़िए आप, यस हाँ पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। फाइंड द प्रोफेसर फिर आवाज आ रही है, रुक जाइए। प्रोबेबिलिटी वन ए देखिए, इसमें वन ए में बैक कैमरे से चलते हैं फिर दिखाते हैं, ये ही वन ए है, ये दो बार ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है, डी, ये पॉइंटर है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डी पर आए। अच्छा ये देखिए यहाँ कितने केसेस हैं, डी एक बार लिखा हुआ है और टोटल कितने केस लिखे हुए हैं, चलिए जल्दी बताइए जरा। मैं फिर आपको एक बार, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो जरा एक बार पढ़ें, सब लोग क्वेश्चन पढ़े। माही सिंह का नाम मैंने पहले लिया था, माही सिंह नहीं क्लास में है, तो इस तरह क्लास करने का कोई फायदा नहीं है, आप क्लास में रहिए या ना रहिए कुछ मतलब नहीं, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अच्छा चैट बॉक्स में लिखिए तीसरा क्वेश्चन कितने लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए ठीक 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 तो तीसरे क्वेश्चन में आपके पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंटर स्टॉप्स एट डी, तो ये देखिए बैक कैमरे से फिर से आइए किताब की ओर, ये आपका ये पॉइंटर है, डी एक है, और टोटल केस कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो फेवर में तो यही है, टोटल कितना हुआ डी, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। दूसरा जो क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ये ताश के पत्तों का सवाल है, ताश में कितने पत्ते होते हैं, सब लोग जरा चैट बॉक्स में फिफ्टी लिखिए, चैट बॉक्स में लिखना, मैंने कहा कोई आवाज नहीं करनी है, चैट बॉक्स में लिखिए। महिमा पाठक 52, वेरी गुड, ताश
तान्या चौधरी, सतप्रिया चौधरी, शिवांगी, अंशिका, बहुत अच्छे बच्चे, अंशिका पटवा 52, श्रेयांशी सिंह बहुत अच्छे, अगम्या, चलिए ठीक है। तो एस, एस मतलब होता है इक्का, तो ताश में चार इक्के होते हैं, तो फेवर में चार, टोटल 52, केस हो गया 4/52। अब तीसरा जो है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा फिगर देखिए फिर से, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, ये बताइए जिससे मैं पूछूंगा। तान्या चौधरी कितने रेड एप्पल दिए हैं फिगर में, कितने रेड एप्पल दिए हुए हैं फिगर में, फिगर देख के बताइए कितने रेड एप्पल हैं। अच्छा ये ईशानवी, अच्छा चैट बॉक्स में लिखे सब लोग, चलिए चैट बॉक्स में लिखे कितने एप्पल हैं। 4, 4, वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग लिखें। अपूर्वा सिंह 4, श्रेयांशी सिंह ने 4 लिखा, गम्या सिंह ने 4, अंशिका तिवारी ने 4, स्वाति पांडे ने 4, सत्यप्रिया चौधरी ने 4, आयुषी मिश्रा, ठीक है। अब टोटल कितने एप्पल हैं ये जोड़ो, टोटल एप्पल लिखना, टोटल एप्पल कितने हैं, चैट बॉक्स में लिखिए टोटल एप्पल, टोटल एप्पल लिखिए, अब चैट बॉक्स में लिखिए। 7, 7, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश, तो सही है, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे सब, बहुत होशियार बच्चे हैं हमारे, सब लोग बढ़िया रहेंगे इंटर में आके, बढ़िया रहेगा, बहुत मेहनत करते हैं आप सब। तो देखिए रेड एप्पल आपने लिखे 4 और टोटल एप्पल लिखे 7, तो प्रोबेबिलिटी होगी 4/7 आंसर, बस फार्मूला तो अभी लिखा था ना कि फेवर में कितने हैं और टोटल कितने हैं, तो 4 एप्पल लाल एप्पल हो ऐसे 4 एप्पल हैं और टोटल एप्पल 7 हैं, तो ये 4/7। जरा पांचवा क्वेश्चन कोई पढ़े, पांचवा क्वेश्चन। हाँ बोलिए, कौन बोलना चाह रही है बच्ची? इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील थ्री सेक्टर्स वन ब्लू सेक्टर एंड वन रेड सेक्टर, व्हाट इज द, अच्छा ये बताओ, एक मिनट, स्टॉप 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 सब स्टॉप। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर, 3 हिस्से हरे हों, 1 ब्लू सेक्टर, 1 सेक्टर नीला हो और 1 रेड सेक्टर, 1 सेक्टर लाल हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर। तो चैट बॉक्स में लिखिए कि ग्रीन सेक्टर कितने हैं, चैट बॉक्स में लिखिए ग्रीन सेक्टर कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में। हाँ चलिए मैं चैट बॉक्स पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग लिखते रहिए। श्रेयांशी 3, अपूर्वा 3, स्वाति 3, अंशिका पटवा 3, वेरी गुड माही सिंह 3, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड, स्टॉप। अभी बताइए टोटल सेक्टर कितने दिए हुए हैं, टोटल लिखिए, अब टोटल सेक्टर कितने हैं, 3 ग्रीन है, 1 ब्लू है, 1 रेड है, टोटल सेक्टर कितने हैं बताइए। मैं फिर चैट बॉक्स पढ़ने जा रहा हूँ। 5, 5, वेरी गुड, बहुत अच्छे शाबाश, तो टोटल आपने लिखे 5 और ग्रीन है 3 और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है, तो कितना हो गया 3/5, 3/5। तो इस तरह से ये अब जो क्वेश्चन छूटे हैं उसको आप करिएगा और मंडे को पूछिएगा, मंडे को टाइम मैं बताऊंगा, 11:20 पे भी क्लास चल सकती है। हाँ अब कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। सर सर नेम अपना नाम बताओ पहले। अंशिका पटवा, अंशिका पटवा। हाँ क्या बात है तुम्हें सर, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर
का फोटो भेज क्वेश्चन दीजिए, नंबर, फोटो भेज दीजिए। हाँ ये भेजेंगे बाद में, अभी नहीं, अभी तो जा रहे हैं क्लास लेने तीसरी, ठीक है, लगातार क्लासें हैं 11-12 में, तो आपको पढ़ाते हैं किसी तरह टाइम निकाल के। ओके ओके क्वेश्चन नंबर टू बता दे रहे हैं कि अगर आप डाई थ्रो करते हैं तो इवेंट क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, फाइव पॉइंट 5.3 का कौन सा क्वेश्चन? सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड यही है ना, डाई थ्रोन है। सर, सर चैट बॉक्स में लिख दो, आवाजें फंसती है चैट बॉक्स में, कोई कोई दिक्कत नहीं रहती है, लिख के भेज दीजिए। चलिए ठीक है, अभी मैं, ये कोई जवाब आया, आयुषी मिश्रा ने लिखा है कि उनको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये आउटकम बताने, ये स्पिनिंग व्हील है तो इसमें क्या क्या है, दो बार ए है तो ए ही लिखना है, बी है, सी है, डी है, जितने डिफरेंट लेटर्स लिखे हुए हैं उनको लिखना है, तो ए बी सी डी, और दूसरे पार्ट में टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, दो सिक्के आप उछाल रहे हैं तो पहले कंडीशन है दोनों पे हेड आ जाए, पहले सिक्के पर भी हेड आ जाए दूसरे पर भी हेड आ जाए, फिर कंडीशन है कि पहले पे हेड आए दूसरे सिक्के पे टेल आए, तीसरी कंडीशन है कि पहले सिक्के पे टेल आए दूसरे सिक्के पे हेड आ जाए, और चौथी कंडीशन है कि दोनों सिक्कों पर टेल आ जाए। अभी मैं सब सारे वीडियो सॉल्यूशन भेज दूंगा, सारे या रिटर्न सॉल्यूशन भेज दूंगा, अभी आप दोहराइए, अभी इसका वीडियो अभी आपकी क्लास में थोड़ी देर में पड़ जाएगा, देखिए। थैंक यू बेटा। ओके जो